मित्रों मैं आचार्य सरस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शैलेंद्र सरस में साथियों आज मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक और प्यारे से जीव को दिखा रहा हूं इसे गोह विस खापर या बड़ी छिपकली के नाम से जाना जाता है इसको मैंने खतरनाक और प्यारा दोनों शब्दों से कहा है तो खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि ये सर्पों को भी खाने की क्षमता रखती है और ये सर्प को भी खाती है इसका प्रिय भोजन ही सर्प और छोटी छोटी छिपकलियाँ होती हैं साथियों इसकी जो लंबाई है लगभग लगभग ढाई से तीन फिट की होगी इस समय पर और ये लगभग लगभग दस दस फिट तक की हो जाती हैं तो आप इस तरह से आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये पाँच से दस फिट की बहुत आराम से हो जाती हैं ये इस तरह से देखिए चल रही है और इसकी शक्ति का अंदाज़ा आपको नहीं होगा जो ये देखिए कितना इसको हम बल पूर्वक खींच रहे हैं लेकिन ये अपनी ज़मीन को जहाँ पर इसने पकड़ बना रखी है उसे छोड़ नहीं रही है और ये बांधी जो है मैंने इसको कमर में बांधा है आखिर ये सब मैंने ऐसा क्यों किया है और मैं इसका अब समय पर वीडियो बना रहा हूँ साथियों मेरा ये बताना या आपको बताना है कि ये देखिए कितनी ताकत से ये पकड़ती है किसी भी चीज़ को तो आखिर ये क्या है इसका राज क्या होता है प्राचीन काल में लोग इनको या जो चोर डकैत होते थे वो इसे पालते थे और पालकर जिस तरह से इस तरह मैंने कमर में इसके धागा ये रस्सी बांध रखी है इसी तरह से कमर में बांधकर कर ये ऊपर किलों पर ये फेंक दी जाती थी जहाँ पर ये जगह पाकर चिपकती थी और लोग इसके ऊपर चढ़ते थे हाँ जी हाँ बिल्कुल सही आपने सुना कि इसकी कमर में रस्सी बाँध कर आ, लोग जो हैं ऊपर किलों पर चढ़ने का काम करते थे किला मतलब जो प्राचीन काल के किला हुआ करते थे कहा जाता है छत्रपति शिवाजी के पास भी एक छिपकली थी जिसको उन्होंने पाल रखा था सिर्फ इसी काम के लिए क्योंकि वो युद्ध करते थे और युद्ध करने के लिए उन्हें किलों पर चढ़ना पड़ता था कोंढाणा का किला उन्होंने इसी प्रकार से जीता था अपने साथी तान्हा जी को उन्होंने अपनी पालतू छिपकली दी थी और कहा था कि इसकी सा इसकी मदद से कोंढाणा के किले पर आप चढ़ सकते हैं छिपकली की कमर में इसी तरह से रस्सी बांधकर उन्होंने किले पर फेंक दी थी और वो जब वो चल गई उसके ऊपर तो उन्होंने उसके माध्यम से ही चढ़ना शुरू किया था और लगभग बीस लोगों ने उस चढ़ाई करके ऊपर किले पर विजय पाई थी कोंढाणा का किला किस तरह से जीता गया था इसकी कहानी तो आपको इतिहास में बहुत अच्छे से मिलेगी और उसमें उस छिपकली का कितना बड़ा योगदान था ये भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो साथियों मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राचीन काल से ये पालतू जानवर भी कहलाए हैं और इनका कार्य सिर्फ इतना ही हुआ करता था कि किलों की चढ़ाई करना और उस पर विजय प्राप्त करना तो इसके लिए आ, और इसके बाद में ये आधुनिक काल में ये चोर डकैत भी इसको पालने लगे ये देखिए किस तरह से अपने अब इसको खींचेंगे तो ये पेड़ पौधों तक को यहाँ से नोच देगी इतना ये देखिए तो इसके पंजों में बड़ी ही शक्ति होती है बड़ी ताकत होती है और दिखने में बिल्कुल ये सांप की तरह डरावनी और उसी तरह से जीव निकालने वाली होती है साथियों इस जानकारी के बाद मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि इन जीव जंतुओं को पालना या अपने पास रखना मेरा उद्देश्य नहीं रहता मेरा उद्देश्य होता है सिर्फ जानकारी देना और ये बिल्कुल भी विषैली नहीं होती है और ये बड़ी ही शर्मीली भी होती है साथियों इसलिए इनको कभी भी ऐसे जीव जंतुओं को मारना नहीं चाहिए नहीं चाहिए क्योंकि मारने से ये हमारी जो प्रजातियाँ हैं ये विलुप्त होने लगती हैं तो इसी जानकारी के साथ तो इसको अब मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा देर अपने पास में रखना इनको उचित नहीं होता है देखिएगा किस तरह से मैं अगर इसको छोड़ता हूँ तो ये भाग कर आ, इसमें प्रवेश करेगी लकड़ियों में यहाँ पर बहुत सी लकड़ी पड़ी हुई हैं यहाँ पर छोड़ देने से कम से कम अपने जीवन को सुरक्षित महसूस करेगी ये देखिए किस तरह से ये इसमें चली गई है तो साथियों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और जीवों को संरक्षित करना और इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाना ये हम सभी की जिम्मेदारी है तो इसी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मैंने आपको ये वीडियो शेयर किया है